हेलो दोस्तों, हमने एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट वन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे यूनिट सेकंड एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट सेकंड, और हमारा टॉपिक है हार्डवेयर फंडामेंटल सब्जेक्ट। क्या हमारी सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। दोस्तों थोड़ी क्लास लेट हो पाई है, लेकिन मैं आपकी कोर्स कंप्लीट कर दूंगा और आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सफर के वजह से मुझे भी होम क्वारंटाइन किया गया है, थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम आपको इस पे पढ़ाना पड़ रहा है। तो देखिए, एम्बेडेड सिस्टम में हमारा टॉपिक क्या है, आज का यूनिट सेकंड है, और हार्डवेयर फंडामेंटल के बारे में हमें पढ़ना है। हार्डवेयर फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। एम्बेडेड, एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। इसकी जरूरत हमें हार्डवेयर स्तर पर परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस करने में किया जाता है। यानी कि हार्डवेयर जो सिस्टम होता है क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हार्डवेयर स्तर पे क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए एंड ऑपरेशन। यानी कि चलाने के लिए किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड होता है। जो एम्बेडेड सिस्टम जो हम बनाते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड होता है। देखिए, हम आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी देंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और उसका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम का। तो ये क्या करते हैं, हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और इसकी जरूरत हमें हार्डवेयर स्तर पर परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस करने में किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित बनाया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर के मुख्यतः एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो देखिए मुख्यतः इसके जो एलिमेंट होंगे वो, जैसे हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस होंगे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, फिर आपका यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, मेमोरी, मेमोरी एंड द डिस्प्ले, न डिस्प्ले का प्रयोग हम एम्बेडेड सिस्टम बनाने में किया जाता है। तो देखिए क्या क्या इसके हार्डवेयर पार्ट हैं, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मेमोरी, टाइमर्स, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, सीरियल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन पोर्ट। फिर होता है आपका आउटपुट, आउटपुट सर्किट, इनपुट आउटपुट सर्किट। सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर की बनाने के लिए। तो देखिए हम तो ये जान लिए एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर के लिए क्या क्या होता है। फिर हम देखिए, देखिए एम्बेडेड सिस्टम है जो इस समय एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ऐसी क्रांति है, ये एक ऐसा क्रांति के रूप में एम्बेडेड सिस्टम का विकास हुआ है कि मैक्सिमम चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड है, मैक्सिमम चीजें जो है इससे मनुष्यों का काम बहुत ही आसान हो गया है। मैक्सिमम चीजों क्या है, एम्बेडेड बेस्ड बनाई जाती है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। आप देखिए घर में भी मैक्सिमम चीजें यूज होती हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज आप देख लीजिए, जैसे ओवन और फिर फ्रिज, ये सब जितनी भी है सब एम्बेडेड बेस्ड होती है। तो इस समय क्या है, क्रांति के तौर पे एम्बेडेड सिस्टम का विकास हुआ है बहुत ही ज्यादा इस समय, ठीक। फिर हम देखते हैं कि हार्डवेयर साइड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बिगिंस विद द हाई लेवल व्यू ऑफ द कंप्यूटिंग कोर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वी विल एक्सपैंड एंड रिफाइन दैट व्यू ऑफ द हार्डवेयर बोथ साइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोर। तो देखिए एक्सप्लोरिंग एम्बेडेड सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी जानते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम का जो विकास हुआ वो कैसे विकास क्रम रहा, तो इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कोर, फिर आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, फिर आपका रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, फिर क्या है फिजिकल हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड एनवायरमेंट, फिजिकल, फिजिकल हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या जान लिए एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर कैसे परफॉर्म्स करती हैं और क्या होती है, फिर क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं। देखिए हम इसकी जो पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मेमोरी, टाइमर जो भी होती है इसमें, ये सब भी चीजें आपको बताएंगे। तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसकी द कोर लेवल क्या होता है, जो हमने बताया था आपसे कोर लेवल, तो ये होता क्या है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो, तो देखिए बताइए, ऐसी वैश्विक महामारी से हमारा देश गुजर रहा है कि हम लोग कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिएगा आप लोग। आप नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ साथ मैं बता दूं आपसे कि
जो भी असाइनमेंट आप लोगों को मैं दूंगा उसे जरूर पूरा करिएगा, क्योंकि आपका जो सेशनल है वो उसी बेस्ड पे मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, डाटा पाथ एंड कंट्रोल, देखिए कोर लेवल के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो कोर लेवल थी वो क्या थी, ठीक है। डाटा पाथ एंड कंट्रोल, ये आपका इनपुट, ये मेमोरी, ये आउटपुट। तो देखिए जो कोर लेवल था वो पहले इनपुट हम देते थे, फिर ये डाटा पाथ एंड कंट्रोल मेमोरी में जाती थी, फिर ये मेमोरी में भी जाता था इससे, फिर ये डाटा कंट्रोल पाथ से, फिर ये आउटपुट को भी दे देता था, मेमोरी से भी दे सकता था और हम डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट में भी चले जाते थे। तो ये हमारा कोर लेवल हो गया। फिर हम देखते हैं फॉर द मेजर ब्लॉक्स ऑफ एम्बेडेड हार्डवेयर कोर, ठीक। अब हम देखेंगे द बस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में जैसे इसकी इसी चीज को हम बस स्ट्रक्चर के एक तौर तरीके से बताएंगे कि बस स्ट्रक्चर के तौर पे हम इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये कोर लेवल हो गई, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर द मेजर ब्लॉक्स ऑफ एम्बेडेड हार्डवेयर कोर। अब देखिए द सोर्स ऑफ द ट्रांसफर इज एरे 8-bit वैल्यू, ये 8-bit वैल्यू के लिए। अब हम देखते हैं कैसे इसकी बनाते हैं। देखिए ये कंट्रोल पाथ है और डाटा पाथ, कंट्रोल पाथ और डाटा पाथ से पार्ट्स, ये देखिए 8-bit है, 8-bit एरे जो होती है इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल डाटा और एड्रेस, तीन से क्या करेंगे, ये आउटपुट से कनेक्ट कराएंगे एड्रेस को, फिर हम आउटपुट ही देते हैं डाटा से ट्रांसमिट करने के लिए, फिर हम कंट्रोल भी इससे इसके वायर को जोड़ देते हैं, ठीक। ये सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड होता है और ये मेमोरी होती है, ठीक। तो ये क्या होता है, द टिपिकल बस स्ट्रक्चर है इसकी, किसकी, कोर लेवल की, कंप्राइजिंग एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल की। तो देखिए द डेस्टिनेशन इज द परहैप्स अ डिस्प्ले, वी डिफाइन द हाई लेवल फंक्शन डायग्राम, ये क्या है आपका हाई लेवल जो फंक्शंस डायग्राम है, टू इलस्ट्रेट अ टिपिकल बस कॉन्फ़िगरेशन द एड्रेसेस डाटा एंड कंट्रोल लाइंस। तो जो ये है ये क्या है, हम इसमें क्या करते हैं हाई लेवल, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, इससे हाई लेवल फंक्शन डायग्राम को डिफाइन करते हैं इस फिगर से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम उसकी थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं। और देखिए पार्ट के बारे में हम बताएंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है, ये सब चीजें। तो ये माइक्रो बेस्ड प्रोसेस बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम है, इसमें क्या है, फर्मवेयर प्रोग्राम स्टोर मेमोरी होता है, डाटा मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स लगे रहते हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस के पोर्ट्स लगे रहते हैं तीन। ये आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड सिग्नल है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और रियल टाइम क्लॉक होता है। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसी को हम रियल टाइम क्लॉक कहते हैं, कि एक निश्चित समय में जो हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी चीज का, तो एक निश्चित समय में जो हम टाइमिंग दे देते हैं उसी समय में वो अपने कार्य को प्रारंभ भी करता है और उसी में खत्म भी कर सकता है। तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है एक निश्चित समय में किसी भी कार्य करने की जो शक्ति होती है, दर होता है, वो रियल टाइम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो किसी भी फंक्शंस को एक निश्चित टाइम में कर सकता है,
फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो इसकी ब्लॉक डायग्राम हो गई। तो अभी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है। थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर की जो एम्बेडेड सिस्टम जो बनाते हैं उसकी हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम ये क्या देख रहे हैं, इसके हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या लगे होते हैं, इसमें किस बेसिस पे ये बनाया जाता है। तो वैसे ही हम थोड़ा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड देख लेते हैं। तो देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक। इसमें क्या होता है, फर्मवेयर यानी कि प्रोग्राम स्टोर्ड मेमोरी एक होती है और इसमें भी डाटा मेमोरी होती है। देखिए ये सेम होता है जो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड सिस्टम। देखिए इसमें डिफरेंस क्या होती है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो कंट्रोलर जो होती है इसमें आपका जो रैम और रोम इसके अंदर ही फीड होते हैं और मेमोरी, लेकिन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें रैम और रोम को अलग से लगाते हैं। ये इन दोनों में सबसे बड़ी डिफरेंस है। क्या करते हैं, उसमें रैम और रोम को अलग से लगाते हैं जो उसकी मेमोरी होती है, और इसमें क्या करते हैं रैम और रोम दोनों इसमें इनबिल्ड होता है, किसमें, माइक्रो कंट्रोलर में। तो ये आपकी ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। तो इसकी ब्लैक डायग्राम है। इसमें भी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, 3 पोर्ट लगाते हैं इसकी। फिर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताई दिया है। डाटा मेमोरी क्या होती है, वो क्या होती है, मेमोरी को स्टोर्ड करती है, और फर्मवेयर प्रोग्राम जो होती है इसमें भी ये प्रोग्राम रनिंग टाइम में मेमोरी को स्टोर करता है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें होता है, ठीक। ये आपके हो गए एम्बेडेड सिस्टम का। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग क्या होती है। बस हम ये थोड़ा डिजाइनिंग समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम जो होता है वो डिजिटल सिस्टम सिग्नल प्रोसेसर का क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी वर्क हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से। और इसके बाद हम आपको एम्बेडेड जैसा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर बता देंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसमें डिफरेंस होता है, उसका वर्क क्या होता है, तो उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि एड्रेस डाटा कंट्रोल, ठीक, इसमें 2 पोर्ट लगाते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में। सीपीयू डीएसपी कोर, देखिए एक होता है इंटरप्ट कंट्रोल और एक होता है डीएमए कंट्रोल। इसमें किसकी डाटा मेमोरी लगी होती है, टाइमर्स भी होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट मेमोरी होती है, रजिस्टर एरे होता है, सीपीयू डीएसपी कोर भी होता है। इसमें देखिए जो रजिस्टर एरे होती है वो डाटा से और मेमोरी से यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशन करती है, मल्टीपल एडिशन या शिफ्टर से ऐड होती है। फिर आपका आउटपुट और इनपुट दोनों एक पोर्ट से आउट जो सिग्नल्स टू आउटसाइड वर्ड होते हैं और सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड वर्ड से जुड़े होते हैं। एक क्या करता है इनपुट देता है और दूसरा क्या करता है आउटपुट लेता है। ये दोनों बसेस जो होती हैं वो एक पास ही लगी रहती हैं, और इनपुट और आउटपुट पोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा डाटा सिग्नल्स द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है। तो फिर हम आपको इसके बाद आगे बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए और इसमें क्या होता है, पीएलडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पीएलडी क्या होती है। तो पीएलडी एक प्रकार की आईसी होती है, और एग्जाम्पल में जैसे पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे उसको कहते हैं, कि क्या होता है वो पीएलडी एक प्रकार की इंटीग्रेटेड चिप होती है यानी आईसी होती है, और जैसे पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होता है, ठीक। उसके बाद हम पीएलडी के बारे में थोड़ा डिटेल अब जानेंगे अगली क्लास में कि पीएलडी किसे हम कहते हैं यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस हम किसे कहते हैं।